आज की इस वीडियो में गेट के इतने सारे प्रयोग सीखेंगे। गेट का मतलब है होना, लाना, होना, कमाना, समझना, बीमारी होना, खरीदना, दिलवा देना, पाना, पहुंचना, करवा देना, आदत हो गया। इसी तरीके से गेट के और भी कई सारे यूजेस हैं, मतलब कि इतने सारे प्रयोग इस वीडियो में सीखेंगे कि गेट पे कोई डाउट्स नहीं होगा, सेंटेंसेस आप बना पाएंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, टिप्स होते हैं, इस वीडियो में सीखेंगे। तो मतलब आपकी बार गेट के सभी यूजेस सीख जाओगे, क्योंकि इस वीडियो में गेट के सभी कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। गेट का मतलब है होना। देखिए, गेट का मतलब प्राप्त करना भी होता है, होना भी होता है, इसके कई सारे मीनिंग हैं, जो एक एक करके हम इसका प्रयोग सीखेंगे। तो गेट का यहाँ पर स्ट्रक्चर जो होगा, जिससे कि सेंटेंस बनेगा, बेसिक तरीके से आप समझ पाएंगे। तो सब्जेक्ट होगा इज एम आर प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जिसे अंधेरा हो रहा है तो पहले ये समझिए सेंटेंस बनाने से कि आखिर इस सेंटेंस का प्रयोग किस सिचुएशन में प्रयोग करते हैं। अगर वो आपको सिचुएशन पता रहेगा तो फिर आप सेंटेंसेस आसानी से बना पाएंगे। तो इसमें पहले तो बात ये करिए कि यहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट में, स्टेट ऑफ बीइंग में चेंजिंग हो रहा है, बदलाव हो रहा है। बदलाव क्या हो रहा है? अंधेरा हो रहा है। तो अंधेरा हो रहा है तो क्या हो रहा है? दिन से रात हो रहा है। तो स्टेट में बदलाव हो रहा है, अब स्थिति अवस्था में बदलाव हो रहा है। तो सेंटेंस बनाएंगे इट इज गेटिंग डार्क। अब यहाँ पर एक डाउट और है कि गेट के जो वर्ब फॉर्म्स होते हैं उसे देखना पड़ेगा कि गेट का वी वन गेट होता है, गेट का वी टू गोट, वी थ्री गोट या गोटन भी होता है, और गेट का वी फोर हो जाएगा गेटिंग, और वी फाइव हो जाएगा गेट्स। तो इस प्रकार से इसके वर्ब फॉर्म्स होते हैं जो टेंस के अनुसार बदल जाएंगे। यहाँ पर जैसे देखिए गेट का यहाँ पर गेटिंग हो गया, क्योंकि ये सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस में है, प्रेजेंट में। तो इस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। जैसे तुम जवान हो रहे हो तो सेंटेंस बनेगा यू आर गेटिंग यंग। तुम जवान हो रहे हो, यू आर गेटिंग यंग। अब सेंटेंस बनाने आ जाता है, स्ट्रक्चर हो जाता है, मीनिंग पता चल जाता है, फिर भी अंग्रेजी नहीं बोल पाते, उसका क्या रीजन है? रीजन ये है ड्यू टू लेस प्रैक्टिस। इफ यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर यू कैन स्पीक इंग्लिश इजिली। तो प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है? एक सेंटेंस को छह तरीके से बनाइए, दो डब्ल्यू एच वर्ड से, डब्ल्यू एच वर्ड से दो बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, और दो बन जाएगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब टोटल आपका एक, यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव होगा डब्ल्यू एच, या देखिए जैसे कि आप बोलते हैं ना कि तुम जवान हो रहे हो तो यू आर गेटिंग यंग, तुम जवान नहीं हो रहे हो यू आर नॉट गेटिंग यंग। क्या तुम जवान हो रहे हो? आर यू गेटिंग यंग? क्या तुम जवान नहीं हो रहे हो? आर यू नॉट गेटिंग यंग? तुम जवान कब हो रहे हो या क्यों हो रहे हो? तो वाई आर यू गेटिंग यंग? तुम जवान क्यों नहीं हो रहे हो? वाई आर यू नॉट गेटिंग यंग? तो इस तरीके से एक सेंटेंस को आप छह तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो रहा प्रैक्टिस करने का तरीका, और ये करने के बाद आप बोलने का प्रयास करिए मिरर के सामने, क्योंकि सबके यहाँ मिरर होता है, सबके पास होता है। तो मिरर के सामने आई कांटेक्ट करके बोलने का प्रयास करिए, क्योंकि हेजिटेशन होता है, फियर होता है, तो वो फियर हेजिटेशन वो धीरे धीरे रिमूव होगा। उसके बाद आप आगे कर सकते हैं कि आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने वॉइस को, जो भी आप बोलते हैं किसी भी टॉपिक पर उसे आप रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं। ये करने से आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपके हेजिटेशन रिमूव होगा, आपका फियर रिमूव होगा। इस तरीके से ये काम करता है। अभी सुबह ही हो रहा है या फिर अभी सुबह हो रहा है, इट इज गेटिंग मॉर्निंग, मॉर्निंग, इवनिंग, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। जहां पर स्टेट ऑफ बींग में बदलाव हो वहां पर आप इसका प्रयोग करते हैं। गेट का मतलब फिर से है होना, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से होगा? यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट होगा, गेट आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव किस तरीके से आएगा? देखिए किस प्रकार से काम करेगा, तुम हैरान हो जाते हो। यहाँ पर होना जो है, हो जाते हो, होना के लिए गेट प्रयोग होता है। इससे तुम हैरान हो जाते हो, यू गेट सरप्राइज्ड। यहाँ पर जो एडजेक्टिव होगा ना, वो वर्बल एडजेक्टिव आएगा। वर्बल एडजेक्टिव क्या होता है? लगेगा कि ये तो वर्ब है, लेकिन वो काम करेगा एडजेक्टिव के रूप में। जैसे कि ये एडजेक्टिव कौन हो सकता है? वित्री हो सकता है। वो लगेगा कि ये वित्री है लेकिन ये एडजेक्टिव है। जैसे यहाँ देखिए सरप्राइज्ड, आप कहेंगे ये वित्री है, बिल्कुल वित्री है, लेकिन ये एडजेक्टिव है। मैं आश्चर्यचकित हो गया, आई गॉट शॉक्ड। यहाँ पर टेंस के अनुसार बन गया, गो हो गया। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, तो यहाँ पर गेट का वी टू गोट हो गया। शॉक्ड मतलब आश्चर्यचकित हो गया। इससे भी देखकर आप बोलेंगे ये भी वित्री है, बिल्कुल है, लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। वो निराश हो गया, ही गॉट डिसअपॉइंटेड।
ये भी लग रहा है कि ये भी वितरी है लेकिन है एडजेक्टिव। तो इस तरीके से ये काम करता है होना के लिए। गेट का मतलब है समझना, जैसे आप कोई भी चीज अंडरस्टैंड करते हैं वहां पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सब्जेक्ट होगा गोट ऑब्जेक्ट, गोट इसलिए क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस में वे टू प्रयोग होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं यह समझ गया आई गॉट इट, मैं यह समझ गया आई गॉट इट, मैंने यह चैप्टर नहीं समझा तो सेंटेंस बनाएंगे आई डिड नॉट गेट दिस चैप्टर, आई डिड नॉट गेट दिस चैप्टर, मैंने यह चैप्टर नहीं समझा। क्या आप समझ रहे हो आर यू गेटिंग, क्या आप समझ रहे हो आर यू गेटिंग, इस तरीके से प्रयोग करते हैं। ऐसे आप प्रयोग करते हैं आर यू अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड को वी फॉर्म में प्रयोग नहीं करते हैं इसलिए आप वहां पर अंडरस्टैंड को छोड़ करके आप गेट कर सकते हैं। जैसे कि आप बोलते हैं यहाँ पर आर यू अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर अंडरस्टैंड को वी फॉर्म में प्रयोग न करके आप यहाँ पर कर सकते हैं आर यू गेटिंग। ये नेटिव स्पीकर भी काफी ज्यादा प्रयोग करता है तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाना है। राहुल मेरी बातें नहीं समझा, राहुल डिड नॉट गेट माई वर्ड्स, राहुल डिड नॉट गेट, राहुल नहीं समझा माई वर्ड्स, मेरी बातें। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग करते हैं। इस सेंटेंस को नेगेटिव में बनाइए, इंटरोगेटिव में बनाइए, डब्ल्यू एच के साथ बनाइए तो सेंटेंस काफी आसान हो जाएगा। एट एनी सिचुएशन यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश बिकॉज दिस इज द वे यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग। गेट का मतलब है खरीदना, जो कि आप बाय के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट गोट ऑब्जेक्ट, गोट इसलिए होगा क्योंकि टेंस में आएगा पास्ट इंडेफिनिट में। मैं एक कार खरीदूंगा, सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का है, यहाँ पर विल लग जाएगा आई विल गेट अ कार। यहाँ पर आप बोल सकते थे आई विल बाय अ कार, आई विल परचेज अ कार, लेकिन आप गेट का भी प्रयोग करते हैं। तो इसलिए अगर आप मीनिंग नहीं जानेंगे तो लोग जब अंग्रेजी में बोलेंगे आई विल गेट अ कार तो आप समझेंगे गेट का मतलब प्राप्त करना होता है, मैं कार पाऊंगा, लेकिन यहाँ बात हो रही है खरीदने की। तो सिचुएशन देखना है कि किस सिचुएशन में बात किया जा रहा है तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि गेट का मतलब यहाँ पर खरीदने की बात हो रही है ना कि पाने की। कपड़े खरीदो तो आप बोल सकते हैं गेट क्लॉथ्स, खरीदने के लिए आप प्रयोग करते हैं, बाय करते हैं, परचेज करते हैं, लेकिन आप उससे छोड़ करके क्लॉथ्स कर सकते हैं, सॉरी गेट कर सकते हैं, गेट क्लॉथ्स मतलब कपड़े खरीदो। उसने एक कार खरीदा तो सेंटेंस बनेगा ही गोट अ कार, ही गोट अ कार, उसने एक कार खरीदा। तो सेंटेंस जिस भी प्रकार से होगा उस अनुसार से ये गेट काम करेगा, गेट के साथ कभी विल आ जाएगा, कभी ये गेट गोट हो जाएगा, कभी गेट के साथ और भी कोई वो आ जाएंगे इस प्रकार से। राहुल ने कुछ सब्जियां खरीदा, राहुल गोट सम वेजिटेबल्स, तो इस प्रकार से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। काफी सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। गेट का मतलब है पाना या प्राप्त करना भी बोल सकते हैं। इसके लिए होगा सब्जेक्ट होगा गेट होगा ऑब्जेक्ट होगा। इससे राहुल को एक किताब मिला तो कैसे बोलेंगे, राहुल को, रमेश को, अमन को, सुमन को, किसी को भी आप यहाँ पर सब्जेक्ट बना सकते हैं अलग अलग तरीके से। यहाँ पर रमेश तो बोलेंगे रमेश गोट अ बुक, रमेश को एक किताब मिला मतलब उसने पाया, इस तरीके से। मुझे एक गिफ्ट मिला आई गोट अ गिफ्ट, यहाँ पर देखिए मुझसे मिला, मैंने प्राप्त किया, रिसीव किया, इस तरीके से। प्रिया को एक फाइल मिला, प्रिया गोट अ फाइल, तो इसी तरीके से आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। गेट का मतलब है करवा देना, गेट का मतलब है करवा देना, जैसे कि मैं तुम्हें पिटवा दूंगा, मतलब मैं पिटूंगा नहीं बल्कि किसी से पिटवा दूंगा। जैसे लड़ाई झगड़े में ऐसी बातें काफी ज्यादा होती है कि मैं तुम्हें पिटवा दूंगा, तो ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, तो वहां पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं कि आई विल गेट यू बीटन। यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होगा वो देखिए, सब्जेक्ट होगा हेल्प यू अब गेट ऑब्जेक्ट वेतरी, अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा इसके ऊपर काम करवाया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए पिटवा दूंगा किसको, तुम्हें, तो तुम्हें यू, तो यू को पिटा जाएगा, कौन पिटेगा नहीं पता लेकिन कौन पिटवाएगा वो यहाँ पर है सब्जेक्ट के रूप में। राहुल ने यह सड़क बनवाया तो राहुल गोट दिस रोड बिल्ट, ये बिल्ट यहाँ पर वितरी के फॉर्म में आ जाएगा। वो यह रूम साफ करवा देगा, ही विल गेट दिस रूम क्लीन्ड, यहाँ पर क्लीन्ड भी वितरी हो जाएगा। दिस रूम मतलब जिस पर काम होगा वो गेट के बाद आएगा और उसके बाद वितरी आएगा क्योंकि जो काम हो रहा है। गेट का मतलब है लाना, लाना के लिए आप क्या प्रयोग करते हैं, जैसे कि आप लाने के लिए वर्ड प्रयोग करते हैं ब्रिंग, जैसे आप बोलते हैं ग्लास पानी लाओ तो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर,
ए कप साइलो ब्रिंग अ कप ऑफ टी, तो इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप गेट प्रयोग कर सकते हैं सेम उसी मीनिंग के लिए। मैंने बहुत सारे कलम लाया, आई गोट मैनी पेन्स, इस प्रकार से होगा। मैंने बाजार से सब्जी लाया, आई गोट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। उसने एक ग्लास पानी लाया, he got a glass of water। तो सेंटेंस काफी अच्छी है, इससे या सेंटेंसेस आप कई सारे बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां से एक कुर्सी लाओ, तो आप बोल सकते हैं गेट अ चेयर फ्रॉम देयर या ब्रिंग अ चेयर फ्रॉम देयर। तो ब्रिंग को रिप्लेस करके आप गेट यूज कर सकते हैं। गेट का मतलब है कमाना, कोई भी चीजें जैसे कि आप बोल रहे ना पैसे कमाना, इस प्रकार से तुम एक दिन बहुत सारे पैसे कमाओगे। तो सेंटेंस बनाते हैं यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी वन डे। तो यू विल गेट, तुम कमाओगे। यहाँ पर गेट किस जगह पर, मैं चाहूँ तो अर्न भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मेक भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेक का भी प्रयोग किया जाता है काफी ज्यादा। तो एक वर्ड के लिए कई सारे इसके मीनिंग के साथ वर्ड दिए जाते हैं, तो आप उसके लिए समझ सकते हैं। उसने कल 5,000 कमाया, ही गो, अब उसने कमाया, यहाँ पर हम उसने के लिए ही लिख देंगे, ही गोट 5,000 रुपीज यस्टरडे, इस तरीके से प्रयोग करते हैं। आकाश आजकल पैसे कमा रहा है, आकाश इज गेटिंग मनी नाउडेज। तो इसे सेंटेंस काफी आसान है, जो कि आप सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। गेट का मतलब है कोई बीमारी होना, जिससे कि कोई डिजीज हो जाना, कोई बीमारी हो जाना, होने के सेंस में करते हैं। इसे मेरे उंगली में दर्द हो रहा है, यहाँ पर दर्द हो रहा है तो कोई भी परेशानी हो, शारीरिक प्रॉब्लम, वो आप बता सकते हैं। आई एम गेटिंग अ पेन इन माई फिंगर, उससे बुखार हो गया, होना के लिए, ही गोट फीवर। रमेश को कैंसर हो गया, रमेश गोट कैंसर। तो कोई भी बीमारी हो गया, बीमारी का नाम के साथ आप बता सकते हैं। गेट का मतलब है कोई चीज दिलवा देना, मतलब जैसे कि बच्चे हैं, दुकान में गया और दुकान में बच्चे को कोई चीज दिला दिया या दिलवा दिया, तो वहां पर गेट का प्रयोग करते हैं। इससे बोलते हैं कि राहुल को मिठाई दिलवा दो, तो आप बोल सकते हैं गेट राहुल स्वीट्स। तो गेट मतलब दिलवा दो राहुल को स्वीट्स, मिठाई। मुझे कुछ पैसे दिलवा दो, तो आप बोल सकते हैं गेट मी सम मनी, गेट मी सम मनी मीन्स मुझे कुछ पैसे दिलवा दो। मुझे चॉकलेट दिलवा दो, गेट मी आ चॉकलेट, तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। वो तुम्हें मोबाइल दिलवा देगा, ही विल गेट यू अ फोन, ही विल गेट यू अ फोन, वो तुम्हें एक मोबाइल दिलवा देगा, इस तरीके से आप इसका प्रयोग करते हैं। गेट का मतलब है पहुंचना, पहुंचना के लिए हमारे पास वर्ड है रीच, लेकिन रीच को रिप्लेस करके गेट प्रयोग होगा। इससे वो ऑफिस 9:30 बजे रोज जाता है, he gets to office at 9:30 every day। क्या तुम वहां पहुंच गए, did you get there, गेट का मतलब है पहुंचना। मैं 15 मिनटों में बाहर बाजार पहुंच गया, मैं 15 मिनटों में बाजार पहुंच गया, आई गोट टू मार्केट विद इन 15 मिनट्स। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। गोट यूज्ड टू, इसका मतलब है आदत हो गया, जिससे क्या बोल सकते हैं उसे शराब पीने का आदत हो गया, he got used to drinking wine, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। रवि को गेम खेलने का आदत हो गया, तो रवि got used to playing the game, इसी तरीके से आप बना सकते हैं। हम लोगों को अंग्रेजी बोलने का आदत हो गया, we got used to speaking English। इसका स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, got used to होगा क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। इसके बाद जो वर्ब आएगा वो वी फॉर्म में होगा, जो आदत के रूप में काम हो रहा है वो वी फॉर्म में आएगा। जैसे कि शराब पीना, तो ड्रिंकिंग यहाँ पर वी फॉर हो जाएगा, यहाँ पर खेलना है तो प्लेइंग हो जाएगा, बोलना है तो स्पीकिंग हो जाएगा, मतलब इसके साथ वी फॉर आएगा। ऐसा नहीं देखना है कि यहाँ पर टू है तो टू के साथ तो वी वन आता है, वी वन आता जरूर है लेकिन हमेशा नहीं आता है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।